Welcome friends, welcome to our YouTube channel All About Engineering. Today's topic classification of metal. What is metal? ये पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किए, अभी हम डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन. मेटल हमारा मेनली टू टाइप्स होता है, फेरस मेटल नॉन फेरस मेटल. फेरस मेटल क्या है? व्हिच हैव आयरन एज देयर प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज. जिस मेटल में आयरन सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता है दैट इज कॉल्ड फेरस मेटल. नॉन फेरस मेटल जस्ट अपोजिट, वहाँ नॉन आयरन नहीं भी रहता है, नो आयरन और लिटिल आयरन. वहाँ क्या है, आयरन ना रहेगा और रहेगा तो थोड़ा परसेंटेज में रहेगा, दैट इज नॉन फेरस मेटल. कौन सा होता है? जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकेल, ये है हमारा नॉन फेरस मेटल. और फेरस मेटल क्या होता है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील एटसेट्रा. फेरस एंड नॉन फेरस मेटल का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह हम लोगों को एग्जाम में आता है. जैसा क्या है, फेरस कलर ग्रेइश होता है, नॉन फेरस वेरियस कलर होता है. फेरस मेटल मैग्नेटिक होता है, नॉन फेरस नॉन मैग्नेटिक होता है. फेरस लेस कॉस्टली, नॉन फेरस मोर कॉस्टली. इसी तरह हर पॉइंट को हमको याद रखना है. यहाँ 8 पॉइंट दिए गए हैं, सबको हम लोगों को याद रखना है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बेसिक सोर्स ऑफ आयरन होता है आयरन ओर्स. आयरन ओर्स मेनली टू टाइप्स का आता है, एक हिमाटाइट एक मैग्नेटाइट. और वो आयरन वहाँ से ही मिलता है. सेपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर्स अचीव बाय स्मेल्टिंग विथ कोक एंड लाइमस्टोन इन द ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस में लाइमस्टोन और कोक से जलाकर हम लोगों को आयरन को अलग करना है. पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को कोक और लाइमस्टोन के द्वारा जलाकर हम लोगों को मिलता है पिग आयरन. और क्या है, पिग आयरन में ज़्यादा से ज़्यादा रहता है 3-4% कार्बन, 0.06-0.1% सल्फर, 0.1-0.5% फॉस्फोरस, 1-3% सिलिकन एंड अदर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़. ये को हमको याद रखना है. और ये क्या है, ब्लास्ट फर्नेस का फोटो यहाँ दिया गया है, कैसा स्टेप रहता है, कहाँ कितना टेम्परेचर है, यहाँ इसको एक मॉडल व्यू यहाँ दिए गए हैं. कास्ट आयरन पिग आयरन से रीमेल्ट करके क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन बनता है. कास्ट आयरन कंटेंट क्या है, 2-3.7% कार्बन एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड मैंगनीज. तो इसको याद रखना है कास्ट आयरन के लिए. यह है क्यूपोला फर्नेस का फोटो. यहाँ पर क्यूपोला फर्नेस का हर एक पार्ट्स दिखाया गया है, जैसा एयर ब्लास्ट, चार्जिंग डोर, एयर बेल्ट, ठीक है, टैपिंग होल कहाँ रहता है, यह ज़्यादा से ज़्यादा सब दिखाए गए हैं फोटो में. और क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कास्ट आयरन. कास्ट आयरन का प्रॉपर्टीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. ये सभी पॉइंट हम लोग को याद रखना है. जैसा क्या है, इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल, इट इज़ चीप एंड ईजी टू मशीन विथ टंगस्टन कार्बाइड टिप, इट हैज़ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसी तरह हर एक पॉइंट यहाँ जो दिए गए हैं सबको हम लोग को याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, जैसा ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन, एलॉय कास्ट आयरन, नोड्यूलर और डक्टाइल कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन. सभी कास्ट आयरन का शॉर्ट नोट ये दिए गए हैं, आप लोग पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा. हमने ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि टाइम और भी बढ़ जाएगा वीडियो का, इसलिए. रॉट आयरन, रॉट आयरन इज ए प्रोड्यूस फ्रॉम पिग आयरन इन ए पार्डिंग फर्नेस. दो पार्डिंग फर्नेस में क्या है, 96.76% आयरन, उसके साथ 0.1% कार्बन, 0.2% सिलिकॉन, 0.2% फॉस्फोरस, 0.01% मैगनीज, 0.03% सल्फर, 2.7% स्लैग देकर आयरन के साथ सभी मिलाकर पार्डिंग फर्नेस में रॉट आयरन बनता है. ये हमारा पार्डिंग फर्नेस का फोटो है. नाउ स्टील. स्टील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेरस मेटल. इट कंटेंट्स आयरन, कार्बन, मैंगनीज एंड सिलिकॉन एंड अदर एलिमेंट कैन ऑल्सो बी एडेड. नाउ स्टील कैसे बनता है, जैसा वेरियस मेथड ऑफ स्टील मेकिंग. वो क्या है, एक सीमेंटेशन प्रोसेस, 2 बेसिमर प्रोसेस, 3 क्रूसिबल प्रोसेस, 4 ओपन हार्थ प्रोसेस, 5 इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस, 6 LD प्रोसेस. ये मेन 6 प्रोसेस होता है स्टील मेकिंग के लिए. नाउ टाइप्स ऑफ स्टील. स्टील मेनली बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील. प्लेन कार्बन स्टील और भी 3 टाइप्स का है, जैसा लो कार्बन स्टील,
0.102-0.30% कार्बन रहता है उसमें। मीडियम कार्बन स्टील जैसा 0.30-0.60% कार्बन, और हाई कार्बन स्टील 0.60-1.7% कार्बन। नेक्स्ट क्या है, एलॉय एलिमेंट। कुछ एलॉय एलिमेंट ऐसा होता है जिसको कार्बन के साथ मिलाकर एलॉय स्टील बनता है, जैसा एलॉय एलिमेंट जैसा क्रोमियम, निकेल, टंगस्टेन, मेलिबोर्डियम, वैनेडियम, कोबाल्ट, फास्फोरस, मैंगनीज, सिलिकॉन, लीड एट्सेट्रा। एलॉय एलिमेंट मिलाकर जो एलॉय स्टील बनता है उसका नाम है जैसा निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील, वैनेडियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टेन स्टील, स्प्रिंग स्टील, मैंगनीज स्टील, टंगस्टेन कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील। इसमें क्या है, कार्बन कंटेंट और एलॉय एलिमेंट सब अलग अलग परसेंटेज में रहता है। ये सब स्टील में सबका अलग है। और एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना है, वो क्या है, नॉन फेरस मेटल जैसा एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन, जिंक, टंगस्टेन एट्सेट्रा, वो सब मेटल क्या है, मिलाकर बनता है नॉन फेरस एलॉय। टू और मोर नॉन फेरस मेटल कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड इन ईच अदर तब नॉन फेरस एलॉय बनता है। नॉन फेरस मेटल से जो नॉन फेरस एलॉय बनता है, वो नॉन फेरस एलॉय हम लोगों का ज़्यादा भी ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत जगह में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा क्या है, ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल, बैबिट, ड्यूरालुमिन, मोनेल मेटल, मंच मेटल, वाई एलॉय, जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम एट्सेट्रा। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट एलॉय है। हम लोगों को इस चैप्टर में जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखा है सबका ज़्यादा डिटेल मैं नहीं दे पाई, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको जस्ट शॉर्ट से दिए गए हैं। इससे ज़्यादा नॉलेज करने के लिए आप लोगों को बुक पढ़ना होगा, तो मैंने शॉर्ट टाइम में आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने का कोशिश की हूँ इस वीडियो में।